हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ समर। दोस्तों, अगर आप भी भाग्यश्री की तरह खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपको उनके कुछ खास टिप्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ग्लोइंग और यूथफुल स्किन हर किसी की पसंद होती है, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, इस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है। दोस्तों, स्किन फ्लॉलेस और नरिशिंग रखने के लिए मॉइस्चराइजर करना बेहद जरूरी है, लेकिन कई लोगों को इसे लगाने का सही तरीका नहीं पता होता है। ऐसे में हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने वीडियो शेयर कर इसे लगाने का सही तरीका बताया है। तो चलिए, आपको भी भाग्यश्री का वो सीक्रेट टिप्स बताते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। यहाँ वो अपने फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर हेल्थ और ब्यूटी टिप्स भी बताती रहती है, जो आपके बेहद काम आ सकती है। आपको बता दें कि 53 साल की उम्र में भी भाग्यश्री बेहद हसीन और जवान दिखती हैं। उनकी खूबसूरत स्किन को देखने के बाद कई लोग उनकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने चेहरे का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो वो जरूर ही महंगी चीजें इस्तेमाल करती होंगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाग्यश्री का मानना है कि महंगी क्रीम भी स्किन को बेहतर बनाने की गारंटी नहीं देती जब तक कि उसे अंदर से नरिशिंग ना दिया जाए। इसके अलावा बेहतर फायदे के लिए जरूरी है कि आप उसे अच्छी तरह से अपनी स्किन पर अप्लाई करें। आप रोजाना भले ही मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो, लेकिन अगर उसे लगाने का तरीका सही नहीं है तो आपकी स्किन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। चलिए जानते हैं कि भाग्यश्री अपने चेहरे पर किस तरह से मॉइस्चराइजर अप्लाई करती है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। We all know that moisturizing is very important, but it's not just about which moisturizing cream you use, it's also the way that you do it. So take your regular moisturizing cream and apply it to your face. It's important to massage your face. This is especially important for aging skin. Use the moisturizer not just once, but a couple of times during the day. दोस्तों, भाग्यश्री बताती हैं कि सबसे पहले अपने फेस के चिक्स एरिया पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। अब उसे स्किन पर अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद हेड और चिन एरिया को कवर करने के लिए सर्कुलर मोशन में रब करें। वहीं चिक्स पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद डाउन टू अपवर्ड में ले जाते हुए उसको अच्छे से मिलाएं। रेगुलर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल इसी तरह से करें, आपकी स्किन को ग्लोइंग और फ्लॉलेस बनाएगा। जब आप अपने चेहरे पर अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें, तब हल्के हाथों से फेस को डाउन टू अपवर्ड स्ट्रोक्स में मसाज करें। इससे आपको एंटी एजिंग को कम करने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि ये काम सिर्फ एक बार करने से बात नहीं बनेगी। दोस्तों, भाग्यश्री बताती हैं कि दिन भर में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। हर बार इसे लगाने का तरीका सही होना चाहिए। ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में काफी मदद करता है। दोस्तों, बढ़ती एज में स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने को लेकर भाग्यश्री का कहना है कि 50 के बाद भी यंग और ग्लोइंग दिखने के लिए हमेशा सही प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। उनका कहना है कि बेहतर मॉइस्चराइजर को लगाने का सही तरीका होना बेहद जरूरी है, यानी कि स्किन हमेशा ग्लोइंग और यूथफुल दिखेगी और आप हमेशा खूबसूरत भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अभी मॉइस्चराइजर करने का सही तरीका नहीं पता है तो एक्ट्रेस की बताई गई इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये आपको बढ़ती एज में सुंदर और जमा बनाए रखने में काफी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।